ये वीडियो एंटरप्रेन्योर करियर शाला सीरीज का हिस्सा है जो अलोहोमोरा एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ के इनिशिएटिव युवा के कोलैबोरेशन से बनाई गई है। इस सीरीज में आपको अलग अलग करियर सेक्टर्स में एंटरप्रेन्योरशिप को समझने का मौका मिलेगा। हम अपने इंटरेस्ट और पैशन को जिंदगी के बिजी शेड्यूल में कैसे जगह दें? आइए जानते हैं मिस नेहा अरोड़ा से, जिन्होंने प्लैनेटेबल शुरू करके ट्रैवल को सभी के लिए आसान बनाया। हेलो मैम, माय नेम इज धनराज और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैम, आप जब जॉब करती थी तो आपने बताया आप उस समय डाटा कलेक्ट करती थी, और आपने बताया आप एचसीएल कंपनीज ऐसी कंपनीज में जॉब करती थी, तो उन कंपनीज में आप टाइम कैसे निकालती थी? बेसिकली अगर आपको कुछ करना है तो आप वक्त निकालोगे। आपको हमेशा ये नहीं रहेगा कि मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, आप उसका कोई ना कोई जुगाड़ करके निकालोगे समय, चाहे वो सैटरडे संडे हो, चाहे वो किसी छुट्टी का दिन हो, चाहे वो छुट्टी लेके हो, ठीक है, या फिर 9 घंटे की जो नौकरी है उसके बाद हो, तो आपको कई चीजें फोरगो भी करनी पड़ती हैं कि हाँ, आप अगर आपके दोस्त लोग पार्टी पे जा रहे हैं तो आप पार्टी पे ना जाने के बजाय आप अपना ये काम करोगे, क्योंकि आपके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको खुद ये सेट करना है कि आप लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। आपको सबके साथ वही करना है कि हाँ, मंडे टू फ्राइडे नौकरी किया और फ्राइडे और सैटरडे संडे पार्टी किया और फिर से लाइफ वही लूप में चल रही है, या फिर आपको उसको बदलना है। देखो, डिस्ट्रैक्शन तो सिर्फ हर किसी को होता है डिस्ट्रैक्शन, पर यही मैंने कहा कि आपके लिए वो चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, आप कितने पैशनेट हो उस चीज़ को करने के लिए, वो मैटर करता है। अगर तुम लिटरली अपने दिल से कोई चीज करना चाहते हो तो तुम सबको छोड़ दोगे उसके लिए, और अगर तुम नहीं छोड़ रहे हो तो इसका मतलब तुम उसे उतना चाहते नहीं हो। तो ये रहा आपका घर का चैलेंज। आपका मेन इंटरेस्ट क्या है? ऐसे दो तरीके बताइए जिससे आप अपने इंटरेस्ट को रोज समय दे सकते हैं। इसके लिए आप खुद से सोच सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं और गूगल पर रिसर्च भी कर सकते हैं। अपना घर का चैलेंज पूरा करके हमें task@alohomora.org पर ईमेल करें। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप हमारे चैनल फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो करें और नई नई चीजें सीखते रहें। ऑल द बेस्ट।